Hey guys, आज के इस वीडियो पर सीखेंगे आप किस प्रकार से गो एयर फ्लाइट का आप कैसे वेब चेकिंग कर सकते हो। समझ लीजिए, आपने गो एयर फ्लाइट का टिकट बुक किया, उसका बोर्डिंग पास निकालना चाहते हो, तो गाइस आप बहुत आसान तरीके से अपना मोबाइल फोन से बोर्डिंग पास को निकाल सकते हो। सो गाइस देखिए, जैसे कि आपने ऑनलाइन टिकट बुक कराया, तो आपने किसी एजेंट के थ्रू आपने एक फ्लाइट टिकट बुक किया गो एयर का। जैसे कि आपने एयरपोर्ट में चला जाते तो आपसे वहाँ पे ये पूछता कि आप जिन्हें अपना वेब चेकिंग दिखाओ। जैसे कि आपने वहाँ से वेब चेकिंग नहीं दिखाओगे तो वहाँ से क्या बताएगा कि आप जो वेब चेकिंग करके दे दो। सो गाइस समझिए, आपको वेब चेकिंग करना नहीं आता है तो गाइस अब उस केसेस में बहुत टेंशन में आ जाते हो कि मैं कैसे वेब चेकिंग करूँ, यानी कि मैं बोर्डिंग पास कैसे निकालूँ। तो गाइस आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, उसी वक्त आप जो ना मेरा वीडियो को देखते देखते आप जो ना बोर्डिंग पास को निकाल सकते हो। समझ लीजिए, आपने मेरा वीडियो को एयरपोर्ट से देख रहे हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, तो अपने घर पर देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत आसान तरीके से आप अपना मोबाइल फोन से बोर्डिंग पास को निकाल सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखते हैं किस प्रकार से आप अपना मोबाइल फोन से गो एयर फ्लाइट का बोर्डिंग पास कैसे निकालोगे। इजी, एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप वीडियो को देखते देखते आप जरा बोर्डिंग पास को निकाल सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो स्टार्ट। जब मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ गया हो तो चलिए सिंपल आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट आपका जो फ्लाइट का टिकट है उसका आपको PNR नंबर देख लेना है, आपका लास्ट नेम देख लेना है। तो चलिए सिंपल, जैसे कि आपने अपना फ्लाइट का PNR नंबर देख लोगे, जैसे देखिए एयरलाइन PNR नंबर और आपका जो नेम रहेगा, सिंपल आपका नेम का यानी कि सर नेम लास्ट नेम चाहिए, तो इस तरह से डिटेल आपको चाहिए। तो चलिए अब भी देख लेता हूँ किस प्रकार से आप जो ना गो एयर फ्लाइट का वेब चेकिंग कर सकते हो। सबसे फर्स्ट आपका मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, या तो कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, तो क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे तो बेस्ट है। जैसे कि आपने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लोगे तो वैसे सिंपल लिखना है एयर गो एयर। तो जैसे कि आपने गो एयर लिखोगे तो वैसे सिंपल देख सकते हो आपका सामने ऑप्शन आएगा गो फास्ट, उसके सिंपल देखिए वेब चेकिंग, सिंपल आपको वेब चेकिंग पे क्लिक करना है। जैसे कि आपने वेब चेकिंग पे क्लिक करोगे सिंपल आपका जो फ्लाइट का PNR नंबर था आपको यहाँ पे PNR नंबर देना है, और आपका जो भी लास्ट नेम है सिंपल आपका लास्ट नेम दे देना है। जैसे कि आपने लास्ट नेम दे दोगे उसका सिंपली बॉक्स पे टिक लगा के आपको चेक इन पे क्लिक करना है। जैसे कि आपने चेक इन पे क्लिक करोगे आपका सामने पर फुल डिटेल आ जाएगा, देख सकते हो इस प्रकार का। तो कैसे मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो ये भी आप ऐसे देख सकते हो। देखिए काफ़ी सारा पैसेंजर का नेम यहाँ पे आ गया है। देखिए कभी कभी यहाँ पे जो ना इस तरह का सारा पैसेंजर का नेम नहीं आता, कभी कभी आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आपको चेक इन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए जैसे कि आपने चेक इन पे क्लिक करोगे उसके बाद सिंपल आपका जो नेम रहेगा देख सकते हो, आपका नेम के ऊपर यहाँ पे टिक लगाना है। देखिए अदर जो पैसेंजर है वहाँ पे टिक लगाने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपका जो भी नेम यहाँ पे टिक लगा देना है। जैसे कि आपका नेम पे टिक लगाओगे उसके बाद सिंपल देखिए पे फॉर यूर सीट, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सारा का मोबाइल से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यानी कि आप जहाँ पे जाना चाहते हो डिस्टिनेशन एड्रेस भरना है, तो सिंपल आप जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पे भर दीजिए, उसका पिन कोड भर दीजिए, सिटी, उसके बाद सिंपल इंडिया, स्टेट और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दे दीजिए, यानी कि दोनों पैसेंजर में सेम रख दीजिए। चलिए एक डिटेल को भर के आपको आगे बता देता हूँ क्या करना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, मैं प्राइवेसी के लिए हाइड कर दिया। उसके बाद सिंपल देखिए आपका दो पैसेंजर का नेम आ जाएगा, यानी कि अब दो से ज़्यादा पैसेंजर है तो सारा का पैसेंजर का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पास ये सारा डेंजर चीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिंपल आप ये बॉक्स पे टिक करके आप कंटिन्यू पे कर दीजिए। जैसा कि आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे देखिए आप पूरा फुल फ्लैट का सीट देख सकते हो। यहाँ पे कुछ सीट आपको फ्री में मिल जाएगा, कुछ सीट आपको पेड वाला देखने को मिलेगा, यानी कि आपको विंडो का साइड यानी कि खिड़की का साइड में आपको बैठना है तो गाइस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कुछ पैसा, कभी कभी फ्री में भी मिल जाता है। उसके बाद मुझे फ्री वाला सीट लेना है। चलिए नीचे की ओर चला आता हूँ, अब देख सकते हो अवेलेबल, ग्रीन कलर का रहेगा तो अवेलेबल, अब देख सकते हो ब्लैक कलर का जैसे रहेगा तो अनअवेलेबल। यहाँ पे देख सकते हो आपका सामने प्रोफाइल डिटेल आ जाएगा। उसके बाद सिंपल मैं क्या करूँगा, फिर फ्री वाला सीट मैं चूज कर लूँगा। अब यहाँ पे कोई भी सीट पे क्लिक करके आप देख सकते हो फ्री वाला सीट है क्या नहीं। जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक करोगे तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 0 INR, यानी कि ये सरकस सीट फ्री है। चलिए फ्री वाला सीट लेने के बाद मैं क्या करूँगा, ऐसे कंटिन्यू वाला बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा आगे की ओर चला जाएगा, यहाँ पे देखिए मेरा सीट में पे कुछ पैसे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सीट फ्री में हो जाएगा। देख सकते हो मैंने लिखा टोटल कॉस्ट यहाँ पे देख सकते हो 0। तो गाइस देखिए टोटल कॉस्ट यहाँ पे 0 होना चाहिए, इसका मतलब है फ्री होगा। आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे अमाउंट है। उसके बाद सिंपल मैं क्या करूँ, ऊपर की ओर स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे काफ़ी सारा पैसेंजर दिख रहा है, ये सारा पैसेंजर से मुझे लेना देना नहीं है, अपना दो पैसेंजर यहाँ पे देख सकते है तो कोई बात नहीं।
देखिए कभी कभी जो ना इस तरह से डिटेल नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है, यानी कि अभी जो ना फ्लैट छोड़ने के लिए 2 घंटा बाकी है, मैं तब जो ना वरिंग बस को निकाल रहा हूँ। कभी कभी जो ना मैं 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पहले जैसे कि वेब चेकिंग करता हूँ, इस तरह से डिटेल नहीं आता है पैसेंजर का, यानी कि कोई कोई कंपनी में आता है, कोई कोई कंपनी में नहीं आता है। यानी कि गो एयर का इससे पहले एक वेब चेकिंग किया था, वहाँ पे इस तरह से पैसेंजर जो भी नेम देखने को मिला नहीं आ रहा है, यानी कि इनका साथ देखिए मेरा भी नेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसमें कोई मुझे लेना देना नहीं। जैसे कि मैं वेब चेकिंग निकालूंगा ना, तो मुझे दो ही लोगों का यहाँ पे वेब चेकिंग निकलेगा, अदरवाइज जो लोगों का नेम देखने को मिला ना इस तरह का सारा, मतलब कि अपना बोरिंग पास में नहीं आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। चलिए अब क्या करना है यहाँ पे, सिंपल आपको देखिए कोई एक्स्ट्रा फूड वगैरह चाहिए तो आप ऐसे ले सकते हो, अदरवाइज आप क्या कीजिए यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे जो आपको ट्रैवल प्रोटेक्शन चाहिए तो गाइस 159 रुपीज़ आपको पे करना होगा। अगर आपको चाहिए तो सिंपल आप ले सकते हो, नहीं तो आप नो पे क्लिक कर देना है, उसके बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने कंटिन्यू पे क्लिक करोगे पे प्लीज वेट बता रहा है, तो सिंपल थोड़ा सा वेट करना है, अब भी आपका बोरिंग पास निकल जाएगा। कितना टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आप देख सकते हैं पे मेरा जो ना फाइनली बोरिंग पास निकल गया है, तो पे मेरा बोरिंग पास निकल गया। चलिए ऊपर की ओर स्क्रॉल करता हूँ, आप देख सकते हो मेरा जो दो नेम है, दो नेम का आप देख सकते हो बोरिंग पास निकल गया है, यानी कि बोरिंग पास निकलने में कितना टाइम लगा आप देख सकते हो, पर फुल डिटेल आप ऐसे पता कर सकते हो, देख सकते हो पे पर फुल गेट नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, फ्लैट का मतलब बोरिंग टाइम कितना बजे आप देख सकते हो, फ्लैट कितना बजे छोड़ने वाला है, देख सकते 20:10 यानी कि 9:10 पे, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मुंबई पे जाएगा टर्मिनल 1 पे, गेट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं पे जी लिखा हुआ है, सीट नंबर वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं पे, सीट नंबर देख सकते हैं 9B, आप देखा यहाँ पे एक पैसेंजर का 9B हो गया, दूसरा पैसेंजर का आपको दिखा देता हूँ, चलिए यहाँ पे दूसरा पैसेंजर का देख सकते पे 9C, यानी कि आप देखा कि बोरिंग पास से निकल गया लेकिन एक भी रुपया देना नहीं पड़ा। कभी कभी वहाँ पे जो ना अमाउंट दिखाएगा लेकिन फ्री में हो जाता है, मेरा देखिए वहाँ पे अमाउंट दिखा रहा था 250 दिखा रहा था अमाउंट, लेकिन जैसे फ्री वाले पे क्लिक किया तो फिर फ्री में बोरिंग पास हो गया, एक भी रुपया मुझे पे नहीं करना पड़ा। तो आप जो ना अपना मोबाइल फ़ोन से इस प्रकार से आप जो ना गो एयर फ्लाइट का वेब चेकिंग कर सकते हो। अब भी आप क्या कीजिए, सिंपली आप चाहो तो पे प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लीजिए, जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा उसका मैं आपको पूरा डिटेल दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई मिस्टेक ना हो यहाँ पे। जैसे कि मैं प्रिंट पे क्लिक किया यहाँ पे सिंपल मैं सेव PDF, जैसे कि सेव PDF पे क्लिक करूँगा यानी कि ये जो PDF मैं सेव कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं दो पैसेंजर के बोरिंग पास है। चलिए मैं सिंपल क्या करूँगा यहाँ पे देख लो, दो पैसेंजर के एक है, चलिए दो ही पैसेंजर के पे बोरिंग पास है, अभी मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि सेव पे क्लिक कर दूंगा मुझे क्या करना है, सिंपल देख सकते हो गो एयर गो फर्स्ट एयरलाइन यहाँ पे देख ऑटोमेटिक सेव कर लिया हूँ। सिंपल आप क्या कीजिए, देख सकते हो ईमेल बोर्डिंग पास, तो आपने जो ईमेल आईडी दे दिया वो ईमेल आईडी पे भी चला जाएगा, जैसे आप ईमेल पे क्लिक करोगे तो बोर्डिंग पास वो ईमेल पे चला जाएगा। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सिंपल नीचे दिया हुआ रेड बटन को दबा के हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छा रहिए, अपना ख्याल रखिए, ओके बाय बाय।